बात बताओ, 5 तारीख को ये बच्चे मेरे पास आने थे और मेरे को मुख्यमंत्री जी से बुलाना था और उसको तिड़का तार बना के ये कह दिया कि राजेंद्र राजस्थान में गेंद डालेंगे। बेवकूफ इंटेलिजेंस है, बेवकूफ जो गुमराह कर रही है सरकार को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सभा में भी डाले। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मोदी जी से मेरी दोस्ती, उनके साथ इमरजेंसी में काम किया हुआ, तो क्या मैं मेरी सरकार के खिलाफ ऐसा विद्रोह करूंगा, विघ्न डालूंगा? सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसी इंटेलिजेंस के खिलाफ मुख्यमंत्री को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये गलत है, रॉन्ग रिपोर्टिंग करके हमारे गैप बढ़ा रही है। इसलिए रात को जो हुआ था, एक बच्ची को रात को उठा के ले गए, घंटों उसको गाड़ी में बैठा रखा, यात्राएं देते रहे, तो फिर उसको छुड़वाया, उसके घर छोड़ा। मंजू शर्मा सुमन गुजर थी, उसका पति विकास पूरी था, उसको ताला लगा के चले गए, ताला खुलवाया, उनको निकाला और गृहमंत्री जी के पास ले आया, गृहमंत्री जी इनको मुख्यमंत्री के पास ले जा रहे हैं। की रद्द करने की मांग कर रहे हैं, कल आप पुलिस प्रशासन ने आपके ऊपर दबाव डाला, क्या कुछ मामला था? सर, हमारी जिस तरह कल दर्जनों लोगों को डिटेन किया गया, नज़रबंद किया गया, उनकी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने घरों में दबिश दी, वो एक बेहद निंदनीय है, क्योंकि पुलिस को गलत इनपुट मिले। हमारा ऐसा कोई मकसद न्यूसेंस क्रिएट करना नहीं था, हम तो सिर्फ न्याय के लिए मुख्यमंत्री जी से गुहार कर रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो सरकार ने रिकमेंडेशन दिए, सरकार के नुमाइंदे SOG हुआ, PHQ हुआ और DG साहब, इन उच्च पदों पर बैठे लोगों ने अगर इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द की सिफारिश की है तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने सिक्के के दोनों पहलू देखे हैं और इन्होंने सोच समझकर ये सिफारिश की है कि कहीं ना कहीं 850 में से 500 फर्जी लोग अगर जाएंगे तो इस प्रदेश में क्या हालात होंगे। तो हम तो सिर्फ किरोड़ी बाबा से गुहार करने 5 तारीख को जा रहे थे, लेकिन इनके पास ब्यूरोक्रेसी हावी है पूर्णतया और सब लोगों के पास IB के पास गलत इनपुट होने के कारण हम लोगों पर लगातार दबाव बनाया गया और दर्जनों लोगों की रात में बिना किसी जानकारी के गिरफ्तारियां की गई और मेरे खुद को गेट को ये सब लोग कांस्टेबल फान कर आए, ऊपर चढ़े, ऊपर का गेट तोड़ा, एक खिड़की तोड़ी, उसके बाद इन्होंने खूब बदसलूकी की और जब किरोड़ी बाबा हमारे बीच पहुंचे तब जाके हमें थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि अभी कोई एक ही व्यक्ति बचा है क्या जो हमारे लिए आगे आएगा, क्योंकि अब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो चुका, तो सिर्फ हम तो न्याय मांग रहे हैं साहब, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे सरकार से। हम ये कह रहे हैं कि जब आप ही की एजेंसियों ने भ्रष्टाचार कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने जांच करवा ली और 30 दिनों पहले पेपर लीक हो गया, तो उस पेपर लीक पे कार्रवाई कर दो आप, मोदी जी की गारंटी पूरी कर दो, मोदी जी आ रहे हैं उससे पहले पूरी कर दो। हम तो युवा हजारों की संख्या में आगे आकर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का बाकायदा स्वागत करेंगे। तो हमारी एक ही मांग है कि भर्ती परीक्षा को रद्द करें, क्योंकि जो जांचें सरकार ने दी है उसको बड़ा दिल रख के मुख्यमंत्री जी को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने भी दोनों पहलू देखे और प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए। परीक्षा की रद्द की मांग कर रहे हैं आप, कल पुलिस ने आपके ऊपर दबाव डाला, उसको लेकर क्या कहेंगे? पुलिस का ये रवैया हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। जिस हिसाब से जो है पुलिस पर हम बिलीव करते, विश्वास करते, भाजपा सरकार में पुलिस जो है ये आतंकवादियों के जैसा हम पर बर्ताव कर रही है, क्या इस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना भी गुनाह है? हम लोग जो है इस एक ऐसे सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करवाने के लेकर मांग कर रहे हैं, क्योंकि उस भर्ती में जो हमारे साथ कुठाराघात हुआ है, 8 लाख युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। कुछ लोगों ने जो है पेपर जब 35 दिन पहले बाहर आ गए, SOG जब पुष्टि कर चुकी है अपनी 4 सीट में कि 35 दिन पहले पेपर बाहर आ गए और RPC जब 2 सदस्य अंदर है, SOG, PHQ, AG और कमेटी सब लोगों ने कह दिया, आखिर मुख्यमंत्री जी क्यों फैसला नहीं कर रहे, क्यों हम युवाओं को परेशान किया जा रहा है? और हम लोग जो है जब टंकी से बाबा ने हमें उतारा था तो हमें आश्वासन दिया था कि CM साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उसी दौरे में जो है हम बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा कि एक दिन तुम हमारे पास आ जाओ, मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया 5 तारीख को जो है डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाएंगे, लेकिन IB के पास, पुलिस के पास पता नहीं किसने हमारे बारे में गलत सूचना पहुंचा दी, जबकि हमने सोशल मीडिया पर कहीं भी कुछ नहीं डाला था। हम जो है हमारे सभी पीढ़ी साथियों को जो है इन्फॉर्म कर रहे थे, बता रहे थे कि हम CM साहब से मुलाकात होगी। IB जो है हमारे साथ आतंकवादियों की तरह हुए, पिछले 3 दिन से जो है हमारे अलग अलग निवासी स्थान पर हमारे घरवालों तक घरवाल फोन करके उनको परेशान कर रही है कि जयपुर में ये गुंडागर्दी क्या कर रहे हैं, क्या हम गुंडागर्दी कर रहे हैं क्या साथियों? हम लोग अब लोकतंत्र में इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ है, आखिर अब भी इस पर फैसला नहीं ले पा रहे मुख्यमंत्री जी? तो आप हमें ये कह दीजिए कि आप भी पेपर लाइए और लगे। सबसे बड़ी बात है आप कह रहे हो हम गिरफ्तार कर रहे हैं, अभी और गिरफ्तार करेंगे। जिन लोगों को आप 50 ट्रेनी को गिरफ्तार किया उनमें से 10 लोग तो जमानत लेके बाहर आ गए और वापस ज्वाइनिंग ले ली, तो फिर कैसे होगा? ये राजस्थान में कितना बड़ा बखेड़ा करेंगे कि लाखों रुपए देंगे, जिन्होंने पेपर लिया वो करोड़ों रुपए वसूलने का काम करेंगे। क्या आप राजस्थान को जो है बेचना चाहते हो? क्या राजस्थान की जनता के साथ आप इन फर्जी थानेदारों से क्या अन्याय करवाना चाहते हो?